नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम आहूजा और आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पर और यहाँ पर, ईशा वर्मा जी। कैसे हो? हाउ आर यू? हेलो शिवम, मैं मस्त। तुम बताओ कैसे हो? मैं बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आज हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? पहली बार है थोड़ा, पहली बार? अच्छा, इसको छोड़ दो ना, इसको ठीक है, दूर से आवाज आ इसको छोड़ दो, जाएगी। हाँ, दूर आ से आवाज आ जाएंगे जाएगी। आ रही है, आ रही है। तो यार अब। देखो, मैं बस बिल्कुल ओपन एंडेड कॉन्वर्जेशन, आपको जो पूछना पूछ लेना, मेरे को जो पूछना पूछ लूंगा, जितनी लंबी जाएगी जाएगी, जिसको सुनना है सुनेगा, नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा, व्यू से मुझे मतलब वैसे नहीं भी है। फर्क नहीं पड़ता, बेस्ट मुझे खुद नहीं फर्क पड़ता। बेस्ट। अच्छा चलो, इसी से स्टार्ट करते हैं, इसी कॉन्वर्जेशन से, कि फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, किस चीज से फर्क पड़ता है, किसी चीज से नहीं पड़ता। लिंक्डइन पे आप पोस्ट करते हो, डू यू डू इट बिकॉज यू लव इट, और डू यू डू इट बिकॉज यू वॉन्ट अप्रिसिएशन फॉर अदर पीपल? आई पहले जब बहुत पहले स्टार्ट किया था, लाइक आई हैव बीन अपलोडिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब वे बैक फ्रॉम 2017-18 कुछ ऐसा। डांस के चैनल को चलाती थी तब, मेरा ये सीए वाला चैनल नहीं था। तब मुझे लगता था कि हाँ, व्यूज आए, लाइक्स आए, ये 1K, मेरे 1K, मेरा सपना था 1K सब्सक्राइबर का तब। तो मेरे लिए वो भी कितना अनअचीवेबल था तब। एंड पर इस मोमेंट पे, आफ्टर लाइक स्पेंडिंग 2 years, आई हैव नेवर जनरेटेड यूट्यूब का इनकम आज तक। 4 साल, 5 साल, बहुत साल हो गए, एक भी इनकम नहीं आया यूट्यूब से या कहीं से भी। बट अब मेरा बस ये है कि हाँ, मुझसे लोग जुड़ेंगे क्योंकि वो मुझसे सीखना चाहते हैं बहुत सारी चीजें, और मेरे अंदर वो चीज है जो मुझे लगता है कि मैं लोगों को दे सकती हूँ। तो अब मेरा बस एक ही इंटेंशन होता है कि जो मुझे आता है, जो मुझे सिखाया गया, या जो मुझे मैंने खुद से मेहनत करके सीखा, बहुत टाइम लगा के सीखा, वो बाकी लोग भी करें। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को स्पीकिंग से बहुत प्रॉब्लम थी। मतलब मैं बहुत इंट्रोवर्ट के साथ मैं बहुत नर्वस थी, मतलब हमेशा। लेकिन जब मैंने इस चीज को फाइट किया तो मुझे लगा यार, जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। फिर मुझे, मैं हर, मतलब मेरे वीडियो में ये जरूर बोलती हूँ, जाओ यार पार्टिसिपेट करो, तुम्हारी अंदर की कॉन्फिडेंस को निकालो खुद से। जब तक खुद से नहीं करोगे, कोई नहीं करने वाला। तो अब मुझे इस पॉइंट पे, कभी मेरे वीडियोस पे 200 व्यूज भी आते हैं, कभी 100 भी आते हैं, कभी 10,000 भी आते हैं। तो मेरा बस ये है कि डालते रहो, जिसे जो पसंद हो देखे, जिसे नहीं पसंद ना देखे, जिसे जो कमेंट करना है करे, जिसे नहीं करना नहीं भी करे। अब नहीं करता फर्क। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा ये बताओ, मतलब बेसिकली यू हैव अ गिवर एटीट्यूड, जो आपको आता है वो आप चाहते हो कि दूसरे लोग भी सीखें, राइट? यस, तो डेफिनेटली। जब आपको कोई मैसेज करता है, वो ईशा ये वाली वीडियो से मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत मेरे को इस चीज से ये सीखने का मिला, तो सेटिस्फेक्शन आपको तब मिलती है, या तब मिलती है जब आपके एक वीडियो पे 10,000 व्यूज आ जाते हैं? अब दोनों ही में मिलती है। अब ये तो नहीं कहूंगी कि 10,000 या राइट बार राइट बीस राइट हजार व्यूज आए तो मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ। उस पर भी मुझे कुछ मिलती है कि, और पता है, वो जिस पे व्यूज आते हैं वो बिल्कुल ऐसी वीडियो रहती है जिस पे कभी सोचती भी नहीं हो कि हाँ इस पे आएगी। मतलब वो राइट डाल के छोड़ती है कि 200 व्यूज आएंगे, ज्यादा तो आएंगे नहीं, और वो वीडियो पे 10,000 व्यूज आ जाते हैं। तो हमने फिर वो अमेज वाली फीलिंग आती है कि अरे वाह, ये हुआ। एंड जब मुझे पर्सनली अप्रिशिएट करते हैं लोग, तो मुझे लगता है कि चलो, इसने कुछ तो सीखा मुझसे। अब इसके जैसे कितने लोग हैं जो मुझे ऐसे पर्सनली मैसेज करके बोलते हैं कि हाँ ये सीखा, वो किया। किसी ने मुझे वॉइस नोट भेजा था कि मैंने पहली बार ट्राई किया स्पीकिंग करना और मैं हार गया, लेकिन आज मुझे हार से डर नहीं लगा, मुझे इस बात की खुशी हुई कि ईशा दी, आपकी वजह से मैं स्टेज पे गया और स्पीच देकर आया, और आगे भी करता रहूं, चाहे हारता रहूं। तो सही सही सही। ये चीज आई थिंक 10,000 व्यूज या 1 करोड़ सब्सक्राइबर से बहुत ऊपर है। इसकी यहाँ है तो इसकी भी यहाँ है। अब इसको हम राइट राइट, कंपेयर नहीं कर सकते, बोथ द डिफरेंट कॉर्नर्स एब्सोल्युटली। थिंग्स। मैं ना अभी मैंने एक डायरी निकाल ली है, क्योंकि मेरे को तो मैं तो अभी दो तीन चीजें सीख ही चुका हूँ कि अच्छा ये अप्लाई कर सकता हूँ मैं, ये अप्लाई कर सकता हूँ, तो साथ साथ में डायरी निकाल ली, मैं तो लिखते रहूंगा जो जो मैं सीख रहा हूँ। बट मैंने अभी एक चीज पिकअप करी, मैंने एक चीज पिकअप करी है कि मैं ऑनेस्टली कभी कभार क्या करता हूँ कि जो खुशी है एंड जो हैप्पीनेस है, या जो वो वाला वो फील आती है ना कि हाँ यार कर दिया ये, तो वो मैं बहुत जजमेंटल हो रहा था उस पे कि यार अगर मैंने इंटेंट अच्छा है, किसी ने अच्छा बोला, फीलिंग गुड बहुत अच्छा है, पर यार इस पे व्यूज आ गए, बट वाई इज दिस मेकिंग मी दिस दैट, मैं उसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहा था या हूं।
मैं कह यार खुश है, इसका रीजन क्यों ढूंढना है, खुशी दे रहे हैं ना हमें बस, आपको ओवर कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत है नहीं ज्यादा। हाँ अच्छा ये बताओ, जैसे तुम डांस करते हो, तुम स्पीकिंग करते हो, तुम पेपर प्रेजेंट करते हो, तुम टीचर हो, तुम सीए की पढ़ाई कर रहे हो, तुम ऑफिस देखते हो, तुम खुशियां बांटते हो, तुम इतनी सारी चीजें करते हो, तो ये बताओ कि कभी कभार लगता है कि यार इतने सारे टैलेंट्स हैं तो कभी एक पे फोकस किया जाए या सब कुछ करना है अभी? मेरे साथ ये कि मेरे पास इतने सारे ऑप्शन है कि आई एम लाइक जब मैं इस चीज से थक जाती हूँ तो मैं इस पे आती हूँ, फिर मैं रिफ्रेश हो जाती हूँ, फिर मस्त मतलब बिल्कुल चिल हो जाती हूँ. तो आई डोंट वांट अ पर्सन इन माय लाइफ कि हाँ वो मुझे कोई पर्सन चाहिए जो मेरा मूड हैंडल कर सके या वो मुझे समझे. मेरे ये एक्टिविटीज ही हैं जो मतलब मेरे मूड को रिफ्लेक्ट करते हैं. तो जैसे कि मैं ऑफिस से आई, मैं थक गई, कभी स्ट्रेस है, कभी उस ओवर वर्किंग है, फिर आके मेरा सब कुछ सेट है. अब तो मतलब पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी कहाँ डांस करना है, अब तो रूम में ही अपने बेडरूम में ही मैंने थोड़ा सा कॉर्नर डांस के लिए रिजर्व कर लिया है. अब मैं आई ऑफिस के कपड़ों में ही एक डांस शूट कर लिया, बस सारी टेंशन हो गई खत्म. मैं भूल भी गई कि मैं दिन भर थक कर आई हूँ. तो ये होता है अब मेरे साथ. अब जब मैं डांस करके थक जाती तो मुझे लगता है कि चलो अब एक यूट्यूब की वीडियो बना लेते हैं, तो उसके लिए कंटेंट लिख लिया. तो इस तरीके से यू नो वी ऑल नीड दैट पर्सन इन आर लाइफ कि जो हमें समझाए कि हाँ तुम्हारे मूड को टैकल करे एक चॉकलेट ला के दे. तो वो पर्सन मैं खुद ही बन गई. ये नहीं आ रहा चल डांस कर लेते हैं आज मस्त, वो आज मूड फ्रेश हो जाएगा, ये नहीं आ रहा वो कर लेते हैं. ऐसे ऑफिस में फ्री हूँ तो वहां पे मैंने कंटेंट लिख लिया कि हाँ चलो मुझे नेक्स्ट वीडियो में ये चीजें बोलनी है, तो वो उसको सिंक कर लो, उसको जैसे करना है सिस्टमेटिक कर लो. तो इस तरीके से हो जाता नाइस यार नाइस, मतलब बेसिकली आपने अपने जो सारे पैशंस हैं उसको अपना एक रिलेशनशिप बना लिया है। जब जब डाउन फील किया डांस कर लिया, जब थोड़ा वेंट करने का मन किया यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड कर ली, जब खुद को बताने का मन किया तो ये सही है यार, सही है, बहुत अच्छा लगा ये सुन के, ये भी चीज़ मैं पिकअप करूंगा। एंड अच्छा ये बताओ, देखो हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो रहता ही है जिससे हम डील कर रहे होते हैं। इफ यू आर कंफर्टेबल, कोई ऐसे बोल सकते हो अरे आगे बढ़ चल, बट इफ यू आर कंफर्टेबल, वो क्या चीज है जिसको जिसको आप अभी इंप्रूव करना चाहते हो और अपने अंदर? तो मतलब एक चीज तो मेरे साथ हमेशा स्ट्रगल होती है, वो मेरे हेल्थ के साथ होती है. मैं जब वो यूनिवर्स अगर तुम्हें सब कुछ दे देता है ना, फिर भी एक वो चीज छोड़ देता है जिसके लिए तुम जिंदगी भर स्ट्रगल करते रह जाते हो. तो मेरे साथ शायद मेरी वो हेल्थ है जिसके लिए मैं हमेशा स्ट्रगल करती रहती हूँ. कभी मुझे डेंगू हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो बैक टू बैक कुछ ना कुछ होता ही रहता है. वो कहते हैं ना किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, और हो भी अगर मुझे सब कुछ मिला, मेरे को डांस करने का टैलेंट दिया, मेरे को ऊपर वाले ने अगर स्पीकिंग की टैलेंट दी, एक अच्छा इंसान बनाया, एक किसी दूसरे को आगे बढ़ाने की वो सारी हिम्मत दी, कैपेबिलिटीज दी, तो उन्होंने मुझसे एक चीज वो छीना, वो है कि मेरे को हमेशा बीमार छोड़ देते हैं. कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ. तो आई एम कॉन्स्टेंटली फाइटिंग फॉर अ वेरी हेल्थी लाइफ. योगा कर लेती हूँ, फिर लगता है कि हाँ चलो यही यही अपने लाइफ की स्ट्रगल है, तो एक्सेप्ट कर लिया वो. सही सही सही। सो हाँ बेसिकली यू आर कंट्रोलिंग द कंट्रोलेबल्स, योगा कर सकते हो आप करते हो, हेल्थ का खाने में ध्यान रख सकते हो जितना हो सकता है करते हो, बाकी जितना हो सकता है तभी तो बोला ना मैंने जितना हो सकता है। भाई पिज्जा खाने का मन कर रहा है तो कर रहा है ना उसमें, हम ठीक है। हाँ सिमिलर मेरे साथ यार, मैं बहुत जंक फूड खाने लग गया हूँ आजकल, बहुत ज्यादा, स्पेशली चॉकलेट्स बहुत ज्यादा। बट हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि यार मान लो आपको हेट कमेंट आया लिंक्डइन पर, आता ही होगा, मैं ये नहीं बोल, ये मैं पूछ ही नहीं था कि आता है कि नहीं आता, मैं आगे आगे सेकंड लेयर ऑफ द क्वेश्चन इज कि जब आता है स्टार्टिंग में कैसा लगता था, अब कुछ प्रोग्रेस है या नहीं है, आपको क्या लगता है कि उस पर्सन का माइंडसेट क्या होगा जो ऐसा कमेंट लिख रहा है? तो मैं जैसे बता रही हूँ, मैं बहुत सालों से YouTube पे हूँ. तो मैं पहले डांस की वीडियोस डालती थी, एंड आई डू कथक, आई ओनली डू क्लासिकल, विच इज वेरी प्योर, वेरी ब्यूटिफुल इन इट्स ओन फॉर्म. उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए कोई रोके या कुछ कहे कि ये क्या डांस कर रही है, ये गंदा है, ये कुछ है, ऐसा कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट
फैशनेबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी मुझे आ जाते थे कॉमेंट्स मेरे कथक वाले परफॉर्मेंस में भी कि ये डांसर है, ये है, वो है, ऐसे ऐसा। तो पहले मुझे लगता था यार कैसे लोग हैं, इसमें क्या कमी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। फिर अभी तो हम लाइक कि भाई तो करना है करो, अगर कोई मेरे कॉम अभी मेरे को आते रहते हैं कोई यूट्यूब पे, पता नहीं कोई एक है जो हमेशा ही लिखता रहता है मोटी 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 मोटी, अरे पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। मतलब ठीक है भाई, हूँ तो हूँ, ऐसी हूँ, मुझे मैं पसंद हूँ, मुझे मेरे आसपास वाले 10-15 लोग, मुझे वो भी पसंद है, वो मुझे पसंद है, उन्हें मैं पसंद हूँ, बस मुझे और किसी से मतलब नहीं, बस और कुछ नहीं। तो अब मुझे पैसा, अब तो मैं उन कॉमेंट्स को देख के छोड़ देती हूँ, रिप्लाई नहीं करते है ना, बिकॉज तो इवन इफ यू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री तब भी लोग तुम पे सवाल उठाएंगे, तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ तो भी बताते, गांधी जी पे भी सवाल उठते हैं, तो यार हम क्या चीज है, हम पे कोई क्यों नहीं उठाएगा। सही बात है यार, सही बात है, सही बात है। बट यार जिन लोग जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनका माइंडसेट कैसा होता होगा? अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, मुझे ऐसा लगता है कि बाहर के लोग हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, कोई एक स्ट्रेंजर अगर उस वीडियो को हाँ देखता है तो या तो वो डिसलाइक दे देगा या फिर वो देख के आधे पे छोड़ देगा। मुझे नहीं लगता अगर मैं आपकी वीडियो रैंडमली एज अ स्ट्रेंजर देखूंगी तो मैं उस पर जाके कमेंट करूंगी कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मोटे लग रहे हो। मैं उस कंटेंट को देखूंगी, वो कंटेंट मुझे पसंद आया, आई विल गिव इट अ लाइक, इफ आई डोंट लाइक द कंटेंट उसको 10 सेकेंड देख के इग्नोर। लीव इट देयर, हाँ हाँ एग्जैक्टली। लीव इट देयर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे कमेंट आते हैं वो या तो मेरे नोन ही होते हैं जो पुराने रहे हैं, जिन्हें शायद मैं आगे तो इतनी बढ़ी नहीं हूँ, 2-4-5 छह सब्सक्राइबर है, 5,000, तो उन्हें उस चीज से शायद प्रॉब्लम हो रही है कि ये कैसे आगे बढ़ रही है, या फिर ये हो सकता है कि उन्हें ये लगता है कि ये क्या बोल रही है, मतलब क्यों ये आगे बढ़ रही है, इसमें ऐसा क्या है जो उनमें नहीं है जो वो नहीं आगे बढ़ सकते। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हेट कमेंट्स आते हैं उसमें 80% जो कमेंट्स होते हैं हेट की वो अपने नोन होते हैं, जो पुराने या बहुत पुराने कोई रिलेशन या कोई फ्रेंड या कोई होते हैं, कॉम्पिटिटर आपके वो उनके होते हैं। बट आई ऑनेस्टली फील दैट देर इज स्पेस फॉर एवरी वन एट द टॉप। ऐसा कोई रश तो है नहीं, कोई कंपटीशन तो है हाँ नहीं कि एक आगे बढ़ जाएगा तो दूसरा नहीं बढ़ सकता। सभी लोग बढ़ सकते हैं, आगे सब लोग बढ़ सकते हैं, बढ़ बिल्कुल बढ़ सकते हैं। सकते हैं। मैं खुद को खुद से कंपीट करती रहती हूँ, मुझे पता है कि मैंने पिछली बार ये किया तो मुझे इतने वो मिले, 1,000 व्यूज मिले, तो मैं उस वीडियो को उसको और अच्छे से बताती हूँ ताकि इस बार और अच्छा बने, थोड़ा लोकेशन चेंज कर लो, थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर लो। मैं तो खुद से कंपीट करती रहती हूँ, मैं तो किसी की कॉम्पिटिटर ना बनना चाहती हूँ, ना मैं हूँ, ना मुझे किसी से करना बनना है है। कॉम्पीट। राइट 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 मुझे इनफैक्ट लोग ये भी आके कहते हैं कि यू आर कॉपिंग समवन। अब मैं किसी का कौन, अगर मैंने लेट मी थिंक, किसको कॉपी कर रही है? नहीं यार मैंने ध्यान में। सीए फील्ड में कौन कॉन्फ्रेंस के हाँ ब्लॉग्स बनाता है, आई इवन डोंट रिमेम्बर एनीवन मेकिंग नहीं, ब्लॉग्स ऑफ कॉन्फ्रेंस, एनीवन एग्जैक्टली मेकिंग एग्जैक्टली एनीवन ऑफ मतलब खुद के ही ओ लेवल पे किसी को ऑनलाइन पढ़ाते देखा, स्टडी विद मी इकोनॉमिक नहीं क्लास, देखा, नहीं देखा। मैं आई एम मेकिंग थिंग्स जो मुझे मन कर रहा है, मैंने कभी किसी को कॉपी नहीं किया। हो सकता है कभी एक लाइन किसी तरीके से मैंने बोल दिया हो तो वो मेरी थिंकिंग, और ऐसा नहीं कि एक थिंकिंग सिर्फ एक पर्सन की हो सकती है, जो हाँ आपकी हाँ थिंकिंग है वो मेरी भी हो सकती है, मैं हाँ तो कॉपी तो नहीं करती हूँ। अब एक बात बताऊँ कॉपी आपको, अब एक बात बताता हूँ आपको। अगर मान लो मैं नीरज सर के व्लॉग्स देखता हूँ, ठीक है, अब मैं अच्छा उन उनके कंज्यूम कर रहा हूँ चीजें, या किसी की भी कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं आपकी आपका यूट्यूब चैनल मैंने बिंज वॉच किया, अगले दिन मान लो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने आया, तो मैं, वो नेचुरल है कि वो एक दो लाइन हाँ आ जाएंगे अपने आप से, तो वो कॉपी हाँ करना थोड़ी ना हुआ यार, वो तो ठीक है, वो तो नेचुरल है। और नहीं ऐसा नहीं है, दोनों की थिंकिंग भी सेम हो सकती है, यू एंड आई कैन हैव सेम एब्सोल्युटली थिंकिंग, सेम राइट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स अ थिंग, तुम राइट जैसा सोच सकते हो वैसा मैं भी सोच सकती हूँ, पर ऐसा नहीं है कि हम मैं तुम्हें कॉपी कर रही हूँ, दैट्स अ सिंपल थिंग। करेक्ट 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 करेक्ट। तो ठीक सही, है, अब अच्छा उन्हें कौन जवाब दे, अलग हाँ एग्जैक्ट। नो बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू बात। अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव, कि वो किस पर्सपेक्टिव से सोचते होंगे, एंड मोर पावर टू देम। वो मतलब दे आर द पीपल हु नीड द सेंसिबिलिटी एंड नॉलेज द मोस्ट, सो मोर पावर टू देम। ठीक है, जो लिखना है लिखो, ठीक है। तुमने हम पे भड़ास निकाले ना, वेरी गुड, निकल गया गुस्सा, ठीक है, निकाल दो, खुश रहो, सही खुश है। रहो। हाँ अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको फर्स्ट टाइम मिला था
एनआईआरसी के उस पे, एनआईआरसी था निकासा था, स्पोर्ट्स हाँ फेस्टिवल, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स फेस्ट, फेस्टिवल, आप हाँ ब्लॉक कर हाँ रहे थे, आप खेलने वाले नहीं आए थे, है यस ना। तो मैं तो पहले उस पे ही था कि यार ब्रो ये कंटेंट के लिए, नहीं अपने दोस्तों के लिए आई है, खेलने नहीं आई है। एंड इतने कॉन्फिडेंस है बैडमिंटन के कोर्ट के बीच में नेट के ऊपर जाके रिकॉर्ड कर रही है, एंड चेस कोई बंदा खेल रहा है, चेस के टेबल के ऊपर चढ़ के रिकॉर्ड कर रही है, कैरम खेल रहा है, कैरम के टेबल के नीचे जाके रिकॉर्ड, नहीं, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस कैसे? आर यू स्केर्ड ऑफ जजमेंट्स? आई वॉज जज्ड इन दैट पर्टिकुलर इवेंट इट सेल्फ. मुझे अच्छा कितने लोगों ने कहा कि ये तू टिकटॉकर क्यों बन रही है यहाँ पे, तू सीए की स्टूडेंट है. अच्छा फेस पे, मेरे फेस पे बोला, द सेम इवेंट, द सेम व्लॉगिंग में बोला. मैंने बोला तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें तो नहीं बना रही ना व्लॉगर, तुम्हें नहीं बना रही ना टिकटॉकर, मैं बन रही हूँ, मैं ब्लॉग टिकटॉकर में है बन रही हूँ. वो, मेरे ब्लॉग में है, नहीं, व्लॉग में नहीं है, अरे बिकॉज डालती ना जब यार। नहीं, बिकॉज जब आई व्हेनेवर आई मेक अ व्लॉग तो मैं पूछ लेती हूँ, डू यू वॉन्ट टू बी इन माई अच्छा व्लॉग, इफ यू रिमेंबर, ओके इवन आई आस्क्ड, क्योंकि नॉट एवरी वन वॉन्ट्स की उनकी वीडियो कैप्चर हो. तो मैं पूछ राइट। लेती हूँ कि डू यू वॉन्ट टू बी इन माई व्लॉग, अगर वो हाँ कहते हैं तब मैं उसकी वीडियो बनाती हूँ, नहीं तो नहीं बनाती हूँ. तो उन्होंने मना कर दिया, तो ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, दैट्स अप टू यू. मैं कभी, मेरे को जो लोग कंटेंट देंगे उनकी बनाऊंगी, जो नहीं देंगे मैं क्यों नहीं उन्हें बने, पोस्ट करूँ. राइट 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 राइट। हाँ तो यार उन्होंने तेरे तो फेस पे बोला कि ऐसा पहले ऐसा उन्होंने है। बोला कि हाँ, पहले हाँ उन्होंने बोला कि वी डोंट वांट टू बी इन अ व्लॉग व्लॉग. तो तब मेरे कुछ ऐसे 700 सब्सक्राइबर्स थे, 500 700 कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स होंगे. मैंने भी इतना कुछ सीरियसली करना था नहीं, मैं और उन्हें भी पता नहीं था कि कभी मैं आगे भी बढ़ जाऊंगी, मतलब 2 महीने में मेरे 5,000 या कुछ सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे. तो शायद इसीलिए उन्होंने मना कर दिया. तो मैंने बोला लेट टाइम टेल देम कि हाँ कभी मना किया तो अभी वो उनकी वीडियो पड़ी होती, कभी वो दिखते मेरे चैनल पे, कभी हो सकता है मैं और आगे बढ़ जाऊँ अगर आप लोगों की कृपा होगी नहीं सब्सक्राइबर्स आगे तो बढ़ना की. ही है, आगे तो बढ़ना ही है, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब यार आगे तो बढ़ ही रहे हैं ना, चाहे नंबर्स आए ना आए, आगे तो बढ़ ही रहे हैं, पूरी जिंदगी आगे बढ़ रही है, दुनिया ही आगे बढ़ रही है, तो आगे तो बढ़ना ही है, वो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ तो यार, हाँ सही है यार, तो मतलब सही है। तो पहले हाँ अब तुम्हारे फेस पे बोला, तुम्हें कैसा लगा? तो बोला व्लॉग में नहीं आना, ठीक है ओके. फिर मैं अपने 4 5 दोस्तों के साथ रील बना रही थी, टिकटॉक वाला जो रील होता है ना, कुछ बना रही थी. अरे मस्त तो एकदम। वो हाँ हाँ, तो वो बोल के गए ये तो टिकटॉकर है. तो मैंने बोला ठीक है, हूँ तो मैं हूँ ना, तो मैं तो नहीं बोल रही ना कि मेरे टिकटॉक में हो. तो दैट वॉज इट. तो वो बोल कर गए, तो ऐसे मुझसे जजमेंट मिल जाते हैं, और मुझे, मैं पहले से ही फिक्स माइंड से जाती हूँ कि हाँ ईशा, तुम्हें बोलने वाले बहुत लोग मिलेंगे, तुम्हें अपना काम करना है, तुम्हें जो चाहिए जिनसे चाहिए, जो दे रहे हैं उनसे लो, जो नहीं दे रहे हैं उनके पास मत जाओ. सिंपल सा राइट। कंडा है मेरा लाइफ का, मतलब बेसिकली तुम पहले से ही जिनसे प्रिपेयर्ड थे कि, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ यहाँ पर, हाँ इट्स अब पहले से ही प्रिपेयर्ड थे कि शायद ऐसे बोलेंगे लोग, शायद ऐसा करेंगे, एंड वो हुआ भी, एंड इट हेल्प यू दैट यू वर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अर्लियर, राइट। लाइक सही है यार, ये सही। बाद में कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो कि वो बिना परमिशन की रिकॉर्डिंग देखे कभी मेरे चैनल पे, तो मैं पहले पूछ लेती हूँ कि डू यू वांट टू बी इन दी ब्लॉग. अगर वो राइट राइट। जिन्होंने मना किया, मेरे को पता है कि कुछ हाँ कहेंगे कुछ ना कहेंगे, जब मैं पूछ रही हूँ तो ऑफ कोर्स कभी कोई हाँ कहेगा कभी कोई ना कहेगा. जिन्होंने ना राइट कहा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सही 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 सही। अच्छा तुमने अभी डांस का कोर्स भी रिकॉर्ड किया था एक, है ना, सिखाओ। चलो नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। उसको मोनेटाइज किया तुमने, हाँ मोनेटाइज किया. सो हाउ डिड पीपल रिएक्ट टू दैट? लाइक अरे पैसे क्यों ले रही है डांस सिखाने के, अरे ऐसे लोग थे कि क्या? हाउ डिड दे रिएक्ट एंड हाउ डिड यू रिएक्ट? बहुत डिफरेंस है पर्सपेक्टिव्स में. जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे कथक सिखाया था तब उन्होंने 8 क्लास के करीब 4,000 रुपए देते थे, क्योंकि हमारी गुरु बहुत बड़ी थी, एंड वी वर राइट रेडी टू पे बिकॉज वी वर ईगर टू लर्न दैट फ्रॉम हर. वी वैल्यूड द आर्ट. हमारे लिए राइट। कथक एक प्योर आर्ट था, और हम 4,000 देते थे 8 क्लासेस का. कभी कभी क्लास के लिए नहीं भी जाते क्योंकि स्कूल के एग्जाम होते ना. लेकिन कभी पेरेंट्स ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पैसे बर्बाद करते, कभी उन्होंने नहीं सोचा कि मेरे पे इतने पैसे देकर पैसे बर्बाद हो रहे. बट अभी मैं देखती हूँ पर्सपेक्टिव बहुत ही अलग है. दे वॉन्ट टू लर्न एवरीथिंग इन जस्ट 2 मिनट्स.
करेक्ट, 2 मिनट में और 2 रुपए में, चाहे मैं 2 रुपए फ्री लेके में, फ्री फ्री में में, फ्री में, हाँ लोग 200 रुपए भी नहीं दे सकते कुछ क्वालिटी लर्न करने के लिए। जहां राइट। पैसे की बात आती है लोग पीछे हट जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ जहाँ कथक वगैरह की बात होती है बिल्कुल प्योर आर्ट है, इनकी तो लोग अब वैल्यू ही नहीं करते हैं जो कथक की। नो बडी इज रेडी टू पे सच ह्यूज अमाउंट एज माई पेरेंट्स, दे यू नो रिस्पेक्टेड द आर्ट, दे रिस्पेक्टेड द आर्टिस्ट। अब वो जमाना मुझे नहीं लगता कि है, सब कुछ इंस्टेंटली दे, सब कुछ इंस्टेंटली चाहिए रिजल्ट। आई लर्न कथक फॉर अप्रोक्सीमेटली 7-8 ईयर्स, एंड कथक बहुत स्लो होता है, मतलब आपको जो दिख रहा है ना वैसा वो चीज तक पहुंचने में आपको 7 से 8 साल टाइम लग लग जाते जाता है। मेरे पेरेंट्स ने 8 साल तक 4,000 महीने देते गए कभी नहीं सोचा कि ये कुछ सीख रही है नहीं सीख रही है, इससे रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, बट आई एम वेरी यू नो ग्लैड कि वो रुके नहीं, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इतने पैसे बर्बाद हैं या क्या है। आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले, एंड आई जस्ट वॉन्ट, आई रिक्वेस्ट इन फैक्ट एवरी पेरेंट कि आप जब सीखने आओ ना चीजें, तब तो आप ये मत देखो कि आपको कितने पैसे लग रहे हैं। अगर वो टीचर में क्वालिटी है, उस आर्ट में क्वालिटी है ना भाई, लगा दो सालों साल लगा दो। कुछ चीजें सीखने में बहुत टाइम लगती है, पर जब सीख जाओ तो उसकी कीमत कुछ और ही होती है। यार, मैं बचपन से सोचता था कि मेरे को ना कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, मेरे को फ्लूट सीखना है, ये सीखना है। वो अभी भी मुझे करना है, विच इज पेंडिंग इन द लिस्ट। वो मैं करूंगा, इवन डांस फॉर्म मुझे सीखना है, कोई तो ऐसा सीखना है, इट इज पेंडिंग। सो हाँ यार, एक कथक की एक स्किल आना, एक आर्ट आना, इट इज एब्सोल्युटली गोल्ड। एंड उसकी वैल्यू मतलब इन वर्ड्स बताई जा ही नहीं सकती, बिकॉज उससे आपको हैप्पीनेस मिलती है, उससे आपको हाँ, क्या नहीं मिलता। सो सही है। मुझे हर जगह एक अलग यू नो आइडेंटिटी मिली है। जब मैं एक स्टूडेंट भी रही तो आई कैरीड दैट आइडेंटिटी कि मैं कथक डांसर भी हूँ। मैं अभी भी एम्प्लॉय हूँ, दैट आई स्टिल हैव दैट आइडेंटिटी, आई एम आल्सो कथक डांसर। तो इवन इन माय ऑर्गेनाइजेशन जब भी उनको कुछ बहुत अच्छा सुंदर क्लासिकल कुछ कराना होता है, वो मुझसे ही करवाते हैं, क्योंकि दे वैल्यू। एंड ये चीजें आपको सिर्फ वहीं पे वैल्यू इनकी समझ आएगी जहाँ इनकी कीमत लोग जानते हैं। मुझे जानते हैं ऐसे राइट। इंक्वायरीज आते हैं कि आप ना 1,000 रुपये लो और कथक सिखा दो, और 1 महीने में सिखा दो 8 क्लासेस में। आई एम लाइक, 8 क्लासेस में मैं कथक क्या सिखाऊंगी इसे, और एक हाँ हजार रुपये 1,000 रुपये की बात फिर भी बात आती, क्योंकि मैं तो बिल्कुल पैशन से सिखाती हूँ। मेरे लिए इट्स राइट लाइक राइट मेरे लिए लाइक मनी एक बार को सेकंड टाइम सेकंड आता है। लेकिन हाँ, मुझे पसंद है वो चीज करना, मुझसे जब भी कोई सीखने आएगा आई एम ऑलवेज रेडी कि हाँ सीखो। मैं अभी अभी भी आई गॉट लेट बिकॉज मैं चली गई थी डांस सिखाने, खाना तो मुझे खाने किसी खाना खाने उसके भाई, कितना बाद खाया डांस तूने, कितना खाया। नहीं मजाक नहीं कर रहा, उसके डांस मजाक कर। आई वेंट टू ईट, वो मैं 9:30 खाने चली गई थी, फिर मेरे को आंटी का कॉल आ गया था कि मुझे डांस सिखा दो, मैं अरे चली गई वाह, डांस सिखाने। सही है सही है सही तो है सही है। अच्छा एक बात सॉरी बताओ, अब ना ये ऑडियंस ऑडियंस मोस्टली जो देख रही होगी सीए स्टूडेंट्स की होगी, तो क्या पढ़ाई कोई के देख बारे में बात करनी भी है। हाँ मुझे कोई नहीं देख रहा होगा शायद, मैं ही बार बार देख रहा हूँ। बट ना जैसे आपने कहा था कि आपको लगा था अरे ये वीडियो क्या ही चलेगी, मेरे को भी है कि इतना लंबा, होगा मेरे को भी है कि भाई इतना लंबा कौन ही सुनेगा। हाँ है मेरे को, है अंदर से है, बट मेरे को करना था, मुझे बात करनी थी ऑनेस्टली। तो ठीक है, तो मेरे को है कि भाई इसके ज्यादा से ज्यादा 60 70 100 व्यू आएंगे। बट सुनो ना, अब आपने ही हाँ कहा कि 100 व्यू 200 व्यू के उसके 10,000 हुए, क्या पता इसके भी 10,000 हो जाए, क्या पता, बताओ। हाँ हो भी सकता है। वो भी सकते हैं। तो देखो मान लो कि सीए स्टूडेंट सुन रहे हैं, और हम भी टिकटॉकर हैं, हम भी इसका क्लिप करके 1 मिनट वीडियो डालेंगे, हम भी करेंगे सस्ती मस्ती, हम भी करेंगे। डन, तुम मुझे टैग वो कर लेना, क्या कोलैबोरेट कर लेना इंस्टाग्राम पर, हाँ कोलैबोरेशन वो होता तो है। देख लेंगे यार, वो बात की चीज है, अभी हाँ वीडियो के अंदर ही हम डिसाइड कर रहे हैं क्या कंटेंट है। वाह, सुनो 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 सुनो, हाँ बताओ नेक्स्ट सीए क्वेश्चन। स्टूडेंट सुन रहे होंगे, सीए स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। मेरे एक दोस्त से मैंने शेयर किया कि मैं ईशा जी के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कोई क्वेश्चन है तो बता। तो उसका मैं क्वेश्चन सीधा पढ़ के बता देता हूँ। शाउट आउट टू दिस डन पर्सन, मुझे नहीं पता नाम लेना उसको चाहिए कि नहीं, बट शाउट आउट टू यू ब्रो, लव यू। एंड हाँ अब सुनो, क्वेश्चन कहाँ गया उसका, इतनी बात कर लिया हमने। हीरा, कैन आस्क हर अबाउट द हार्डशिप्स दैट सीए स्टूडेंट्स फेस एंड सम टिप्स फॉर ओवरकमिंग दैट।
सम हार्डशिप्स अ सीए स्टूडेंट फेस एंड सम टिप्स फॉर ओवरकमिंग दैट। मैं सच बताऊँ तो हार्डशिप में तो यही है कि कितने साल लग गए, लेकिन अभी तक तो ये लगता है किया क्या लाइफ में, कुछ भी नहीं किया यार। मेरी एज के बच्चे या तो बहुत अच्छा मतलब मस्त पैसे कमा रहे हैं, या तो शादी वादी करके सेटल है। मतलब मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, आई एम जस्ट 23 बाय द वे, मैं दिखती नहीं हूँ। तो आई लाइक मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगी कि मैं इतने बड़े होकर अपने घर की फैमिली की सबसे बड़ी बेटी डॉटर होकर भी आई एम लाइक स्टिल स्टडीइंग अ स्टूडेंट ना। मैं मेरी कोई इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है ज्यादा घर चलाने वाला या हेल्प करने वाला, एंड मुझे बार बार यही चीज की प्रॉब्लम होती रही कि मुझे जल्दी खत्म करना है ये कोर्स, ठीक, मैं जल्दी कमाऊँ। अब जब जल्दी खत्म होने की बात है ना, तब लग रहा है यार खत्म भी हो गया तो मैं करूंगी क्या आगे। कौन सा कोई रखा है कि मेरे को उठा लेंगे और बिल्कुल पैसे की बारिश कर देंगे, आज ईशा पैसे की बारिश हो रही है। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। हार्डशिप में तो यार बहुत चीज बार बार कंट्रोल करना पड़ता है, यू हैव टू मेक एवरीथिंग इन बैलेंस। ज्यादा डांस कर लो तो लगता है कि यार ज्यादा डांस कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ज्यादा ज्यादा वीडियोस बना लो तो लगता है वीडियो ज्यादा बना रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। हर चीज में वो पढ़ाई का फैक्टर दिमाग में चलता ही रहता है, चाहे कोई भी लेवल हो, चाहे आईपीसीसी था, चाहे वो आर्टिकलशिप भी था, तब भी दिमाग में चल रहा था यार कोचिंग क्लासेस करनी है, क्लासेस करनी है, तब भी वो पढ़ाई चल ही रहा था दिमाग में। जब अटेम्प्ट आए, पहला वाला अटेम्प्ट दिया, उसके बाद वो खत्म हो गया। पीपल मेड मी स्टार, थोड़ा छोटी वाली स्टार आफ्टर दैट फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ सीए फाइनल मेरा। उसके बाद भी लगा था यार तू क्या कर रही है, तू पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। अब जब एग्जाम खत्म हो गया तब भी लग रहा है एग्जाम अच्छे नहीं गए, अब पढ़ लेते पढ़ लेते पढ़ लेते। तो ये सब चीजें तो चलती रहती हैं, एंड आई एम वेरी श्योर ये चीजें सारे सीए स्टूडेंट स्टूडेंट्स दे विल रिलेट कि हाँ ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि बैक एंड में इट्स ऑलवेज देयर कि हाँ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, जल्दी पढ़ो, पढ़ नहीं रहे हो, जल्दी पढ़ो, पढ़ नहीं रहे, क्लासेस नहीं हुई, ये नहीं हुई। तो ये बैलेंस बनाने की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एंड द फैक्ट दैट दिस कोर्स नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस इज ऑल्सो हार्ड। राइट राइट एंड हाउ टू ओवरकम दिस। ओवरकम में तो मैं बस एक ही चीज रहती हूँ, चिल रहो, बेस्ट है जो बेस्ट होगा है। होगा, होगा बढ़िया जो होगा बढ़िया देखा जाएगा। एकदम सही में ए सही में सही में। इसका नहीं मैं इसका एग्जैक्टली ऐसी नहीं हूँ, मतलब मैं हूँ जैसे आप लोग हो वैसे मैं भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हर हर समय ऐसी हंसती रहती हूँ पागल जैसी, या फिर हर समय आई हैव दिस एटीट्यूड कि हाँ जो होगा अच्छा होगा। इवन आई गो थ्रू द फेज दैट यू ऑल गो थ्रू, इवन आई यू नो शेड टीयर्स व्हेन आई एम लाइक कि मैं क्या कर रही हूँ, आई एम नॉट डूइंग वेल इन माई लाइफ। मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं है, मैं उस तक नहीं पहुंच पा रही हूँ, मेरे दिमाग में भी ये चीज़ें आती हैं। फिर लगता है कि हाँ अब ये चीजें मेरे कंट्रोल में तो है नहीं। तो द पॉइंट इज यू शुड रिकॉग्नाइज दी फैक्ट कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। तो आई नो कि आई लैग्ड हियर, आई लैग विद माय डीटी प्रिपरेशन, और आई लैग विद माय सो एंड सो सब्जेक्ट। तो अब वो मेरा बस एक है कि मैं आगे फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच रखती हूँ, दैट इज इट, टू ओवरकम द थिंग्स। राइट सो बेसिकली यू सेइंग इज कि चिल रहो बट जब जब वो जोन आए ठीक है एक्सेप्ट इट फील इट बट मूव फॉरवर्ड कीप मूविंग फॉरवर्ड हो जाएगा सब। यस चिल चिल रह के एकदम। मैं इसमें एक छोटा सा आंसर मैं भी देना चाहता हूँ। मैं खुद एक सेल्फ टॉक ही समझ लो मैं एडवाइस क्या ही दूंगा बट हाँ सेल्फ टॉक ये है मैं जो खुद को सेल्फ टॉक देता हूँ कि वेर एवर आई एम एट द राइट प्लेस। मतलब मेरा यूट्यूब चैनल है मेरा ये है मैं किताबें पढ़ता हूँ तो भले ही मेरे को सीए में टाइम लग रहा है बट ये सारी स्किल्स दूसरों में नहीं है तो किसी के साथ कंपेयर तो कर ही नहीं सकते। अगर मान लो आप हेल्थ पे काम करते हो बाकी लोग नहीं करते ना वो भी आप उससे उस चीज से भी कंपेयर करो। मान लो आप क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलते हो बाकी लोग नहीं खेलते ना उससे भी कंपेयर करो। सीए पढ़ाई है ठीक है इंपॉर्टेंट है बट देखो आई फील कि हार्ड स्किल्स से ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स मैटर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई पेशेंस डेवलप करना है हमें प्रायोरिटाइज करना है हमें रिलेशनशिप्स वर्सेस डिस्ट्रैक्शंस वर्सेस इधर उधर को बैलेंस करना है। तो ये स्किल्स हम सीख रहे हैं सीए कोर्स की वजह से। अगर सीए कोर्स ना होता शायद ये स्किल्स हम डेवलप ही नहीं करते। तो ठीक है ये सीए एंड आई कोर्स एम एक्चुअली वेरी
आई एम एक्चुअली वेरी थैंकफुल टू द सीए कोर्स, क्योंकि एग्जैक्टली मैं सच में आई हैव बीन लाइक आई हैव स्टडीड फ्रॉम अ वेरी गुड स्कूल एंड वेरी गुड कॉलेज, बट जो प्रोग्रेस मेरा सीए में हुआ है वो उन कॉलेज में, वो उन हेलो, आवाज चली गई. हेलो हेलो हेलो, आई थिंक इंटरनेट. कोई नहीं, टू इंटरनेट डे लाइक इंटरनेट चला गया है शायद, कोई दिक्कत नहीं है. इसी तरीके से लाइफ में कभी कभार ऊपर नीचे आ जाती हैं, बट वी मस्ट कीप गोइंग. एंड इंटरनेट वापस आ गया है. नाउ यू मे कंटिन्यू ईशा जी. आई केप्ट ऑन स्पीकिंग, मैंने क्या क्या कहानी अरे बोल वी हैव टू कीप मूविंग दी फॉरवर्ड, आती रहेंगी हार्डशिप्स. हाँ बताओ बताओ बताओ, क्या बोल रहे थे आप? मैं बोल रही थी सीए कोर्स हैज गिवन मी अ लॉट, लाइक मैं बहुत ही ज्यादा बदल चुकी हूँ, मैं काफी डेवलप हो चुकी हूँ इस पर्टिकुलर कोर्स में. एंड एज अ शायद ये नहीं पर्सन, होता, या राइट, एज अ पर्सन आई हैव चेंज्ड अ लॉट, डेवलप्ड अ लॉट एग्जैक्टली. बहुत ज्यादा. आई हैव नेवर बीन लाइक सो मच स्पीकिंग, आई वॉज अ वेरी क्वाइट पर्सन इन माई होल स्कूल लाइफ, इन माई होल कॉलेज लाइफ. आई थिंक मेरे को कॉलेज की कोई प्रोफेसर जानती भी नहीं होगी, और आज इस पॉइंट पे हूँ कि ऑलमोस्ट एवरी लाइक ब्रांच में कोई ना कोई देयर माइट बी समवन जो मुझे जानता जरूर होगा. तो दिस इज द चेंज दैट हैज हैपेंड जस्ट बिकॉज आई चूज द राइट कोर्स विच हैज हेल्प मी ग्रो अ लॉट. और शायद ये नहीं होता तो मैं यहाँ भी नहीं एग्जैक्टली, होती, मैं बात भी नहीं कर रही होती, शायद मेरा कोई करेक्ट चैनल भी नहीं होता. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. एंड मतलब मैंने आसपास के लोगों को देखा है, शायद मैं कभी कभार खुद भी कंप्लेन करता हूँ कि यार कहाँ आ गए यार, कहाँ है क्या सीए कोर्स यार, कम ऑन यार. बट यार जहाँ अगर हम सोच के देखें, सही है यार, इतना भी कुछ वो नहीं है. सही है सही सही. है, इतना भी कुछ हाँ नहीं है, टाइम हाँ लगेगा तो लग जाए, लगे कोई प्रॉब्लम. देर है, नहीं क्या होता है वो, देर है हाँ सवेर, जो भी एक देर कोट है रहा पर था. अंधेर नहीं. हाँ, यस यस यस, यही. एक एक वेल विशर ने कहा था, वक्त को थोड़ा वक्त दो, वक्त आने पे सबका वक्त बदलता है. तो बस वक्त की मैंने वक्त बदल. बदलते देखा है अपना, हाँ मैंने अपना राइट वक्त बदलते देखा है. आई हैव लाइक सीरियसली स्ट्रगल्ड अ लॉट ऑन माय यूट्यूब चैनल, जो मेरा डांस का चैनल था, मैंने उसको 4 इयर्स चलाया एंड उस पे 10,000 सब्सक्राइबर हैं. आई यूज टू क्राई कि मेरे पास सब्सक्राइबर्स नहीं है, जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड सब्सक्राइबर्स, आई वॉन्टेड टू ग्रो. मैं रोती रहती थी पूरे टाइम, मेरे फ्रेंड से पूछो कि मेरे पास सब्सक्राइबर्स नहीं है. मैं अपने डांस चैनल पे बहुत मेहनत की है, मैंने धूप में डांस किया है. मेरे को याद है उड़ीसा में सन टेम्पल में एकदम कड़ी धूप थी एंड आई वॉज लिटरली स्वेटिंग यहाँ से लेकर यहाँ था, बट आई वॉज डांसिंग बिकॉज मेरे को कंटेंट चाहिए था. एंड उस वीडियो के पास जब 100 200 व्यूज आए, आई फेल्ट वेरी बैड कि मैंने कितनी मेहनत की बट ये कोई रिकग्नाइज भी नहीं कर नहीं पाया. करता, राइट. तो लेकिन जब मैंने ये सेकंड चैनल चलाया, तब मैंने उसी दिन सोच लिया था कि इस पे ना मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए ना मुझे व्यूज चाहिए, इस पे मुझे वो करना है जो मुझे पसंद है, जो मुझे आता है, जो मुझे सबको सिखाना है. एंड जब मैंने इस एटीट्यूड से स्टार्ट किया था, अभी अच्छा चल रहा है टच. सही है सही है सही है यार. मतलब वही है ना कि सेवा से ज्यादा सेवा भाव मैटर करता है. एंड आपका सेवा भाव बिल्कुल प्योर है, आपको नॉलेज शेयर करनी है. सो दैट इज ग्रेट, कुडोस टू यू फॉर दैट. एंड इंशाल्लाह आप आगे भी ग्रो करते ही रहेंगे. सो पार्ट वन यहीं तक करते हैं मेरे ख्याल से. एक अच्छा डिस्कशन हो गया, चैट हो गया. एंड पार्ट टू इन पर्सन ठीक करना है, पार्ट टू इन पर्सन करना है, है, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे. डन. आपको कैसा लगा हाँ डन, आज का मुझे कैसा मजा लगा? आया, काफी पक्का मजा मजा आया ना? आया. चलो ग्रेट है ग्रेट. कोई भी क्वेश्चंस हो आप इस वीडियो के नीचे भेज सकते हैं. एंड नेक्स्ट पार्ट टू में हम आंसर करेंगे, जो कि इन पर्सन होगा. ईशा जी ने वीडियो पे बोल दिया है. चलो यस ओके, लास्ट मैसेज, बाय. लास्ट लास्ट मैसेज दे दो कुछ, लास्ट मैसेज. मैसेज, मैसेज कुछ नहीं यार, बस रुकना नहीं है लाइफ में, चलते रहना है, कुछ भी हो जाए चलते रहना है, आगे चलना है आगे चलना है, चलते रहना चलते रहना, चलो रुक जी, जाना है पर ओके, चलते रहना, पीछे नहीं होता. चलो बाय बाय. मैं जा रहा हूँ. चल बाय मजाक करो, मजाक करो. ओके बाय गाइस, स्टॉप रिकॉर्डिंग. बाय.